बिहार के आदेश के बाद भी छत्तीसगढ़ में बसों का संचालन शुरू नहीं हो पाया है। प्रदेश भर के बस ऑपरेटर अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। तो आज परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात करेंगे, उसके बाद फैसला होगा कि प्रदेश में बसों का संचालन शुरू होगा या फिर बसें खड़ी ही रहेंगी। 6 अगस्त से प्रदेश भर में लॉकडाउन खोल दिया गया है, लेकिन पंडरी बस स्टैंड से किसी भी मार्ग पर कोई बस रवाना नहीं हुई है। परिवहन अधिकारी का कहना है कि बसों के संचालन के संबंध में शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते 21 मार्च से प्रदेश भर में बसों का संचालन बंद कर दिया गया था। शासन ने अनलॉक में बस संचालन का आदेश जारी कर दिया था, लेकिन बस संचालक अपनी मांगों को लेकर बस का संचालन नहीं कर रहे हैं। तो रायपुर से खबर है, दरअसल बस संचालक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार के आदेश के बावजूद उन्होंने अपने बसों का संचालन सुचारू रूप से शुरू नहीं किया है। दरअसल डीजल में वैट कम करने की मांग वो लगातार कर रहे हैं, किराए को बढ़ाने की मांग वो कर रहे हैं, किराया वृद्धि की मांग की जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, स्लीपर कोच पर लगने वाले डबल टैक्स को समाप्त किए जाने की मांग भी जो बस संचालक हैं वो कर रहे हैं। हालांकि जब से कोरोना काल चल रहा है, तब से लॉकडाउन के चलते बसों का संचालन बंद था। जैसे ही अनलॉक की गाइडलाइन शुरू हुई, छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्देश जारी किए उन्हें कि आप बसें चलाइए, लेकिन बस संचालक जो हैं अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं, सरकार के आदेशों को नहीं मान रहे हैं, अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि आज जो परिवहन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनसे मुलाकात भी उनकी होने वाली है, अपनी मांगों को रखेंगे। अब इस मुलाकात की मुलाकात काफी अहम है, और इस मुलाकात के बाद देखना ये होगा कि क्या इसमें दोनों पक्षों में बात बनती है जिसके बाद बसों का संचालन शुरू होगा। अगर परिवहन मंत्री की बात भी वो नहीं मानते हैं या परिवहन मंत्री के साथ जो भी डील होनी होगी वो नहीं हो पाएगी, तो उसके बाद इनका अगला स्टेप क्या होगा, अगला निर्णय क्या होगा? क्योंकि जिस तरह से अगर छत्तीसगढ़ में किराया बढ़ता है तो जो आम लोग हैं उनकी जेब पर भी बोझ पड़ेगा, क्योंकि किराए को बढ़ाए जाने की मांग लगातार बस संचालकों के द्वारा की जा रही है। अगर ऐसे में सरकार इनको अनुमति दे दीजिए किराया बढ़ाने की, तो फिर आम लोगों के बारे में भी सरकार को यहाँ पर सोचना पड़ेगा, क्योंकि आम लोगों का भी ख्याल रखना होगा, आम लोगों की जेब पर बोझ ना पड़े। सितंबर 2020 से मार्च 2021 तक टैक्स में छूट दी जाए, ऐसा बस संचालकों का कहना है। डीजल के वैट टैक्स में 50% की कटौती की जाए, फार्म एम की साल में 2 महीने की बाध्यता समाप्त की जाए, यात्री किराए में वृद्धि की स्थायी नीति बनाई जाए। तो ये बस संचालकों की मांग है जो लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको फ्लैश करके दिखा रहे हैं। तो आज परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से भी मुलाकात करने वाले हैं, और थोड़ी देर बाद ये मुलाकात होगी। छत्तीसगढ़ के बस संचालक मौजूद रहेंगे, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रायपुर से मेरे सहयोगी हेमंत शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। हेमंत, परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से मुलाकात होने वाली है, कब ये मुलाकात होगी और इस मुलाकात के बाद क्या मान लिया जाए कि बस शुरू हो जाएंगी छत्तीसगढ़ में, सब कुछ ठीक रहेगा? बस ऑपरेटर संघ है, उन्होंने कल जो विपक्ष के नेता हैं उनसे भी मुलाकात की थी, और जो उनकी 8 सूत्री मांगे हैं, जो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, और इसी के का नतीजा है कि वो बसों का संचालन नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट लॉकडाउन के दौरान देखा गया था कि काफी समय से जो बस का संचालन है वो बंद था, लेकिन जिस तरीके से कई गतिविधियों को खोला गया उसके साथ ही बसों के संचालन की अनुमति सरकार ने दी थी, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी मांगे बस संचालकों की थी। खासतौर पर देखा जाए तो मार्च 2021 तक जो टैक्स है उसको माफ करने की वो मांग लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा तो डीजल और पेट्रोल के दाम में वृद्धि हुई है, तो इनका ये कहना है संचालकों का कि डीजल पेट्रोल का दाम महंगा हुआ है, तो इसलिए जो बसों का किराया है वो भी बढ़ाया जाए। हालांकि इसमें सरकार पहल कर ले और बातचीत कर ले कि कितना बढ़ाना है, लेकिन किराए को बढ़ाया जाए। तो फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जो बसों का संचालन शुरू हुआ था, मात्र 10% जो बसें हैं उनकी अनुमति सरकार ने दी थी, लेकिन लगभग 10
से 15 दिन बसों के संचालन के बाद ऐसी स्थिति बसों के संचालकों के सामने आ गई कि उनको बसों में सवारी ही नहीं मिल रही थी, डीजल का जो खर्चा है वो वहां पर नहीं निकल रहा था, और इसीलिए फिर से एक बार जो बस संचालक है उन्होंने संचालन बंद कर दिया है और अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर लगातार वो अड़े हुए हैं। आज लगभग 2 बजे जो परिवहन मंत्री हैं मोहम्मद अकबर, उनसे उनकी मुलाकात है। मुलाकात के दौरान जो बस संचालक हैं वो अपनी मांगों को उनके सामने रखेंगे। हालांकि मोहम्मद अकबर जो परिवहन मंत्री हैं, बस संचालकों की मांग से पहले ही वो अवगत हो गए हैं, लेकिन आज एक औपचारिक और चर्चा होगी और बस संचालकों की बजे की चर्चा पर नजर बनाए रखिए। जो भी अपडेट हो फॉलोअप देते रहिएगा। बहुत शुक्रिया हेमंत जानकारी के लिए।